लेट अस स्टार्ट जेड स्कीम जेड स्कीम क्या है कुछ अभी छोड़ देते हैं उससे बैकग्राउंड में आते हैं कि ये चल क्या रहा है हो क्या रहा है फोटोसिंथेसिस में तो एक ओवरव्यू समझ लेते हैं हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस होता है जिससे प्लांट खाना बनाता है दैट प्रोसेस इन ओनर्स एज फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के अंदर दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर दो टाइप के रिएक्शन हैं एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन अगर आपको ये लग रहा है कि लाइट रिएक्शन दिन में होता है और डार्क रिएक्शन रात में जो कि गलत है दोनों के दोनों प्रोसेस दिन में होते हैं लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम है फोटोकेमिकल फेज और डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम है बायो सिंथेटिक फेज़ या बायोकेमिकल फेज़ भी बोलते हैं बायो सिंथेटिक फेज अब लाइट रिएक्शन में क्या होता है लाइट रिएक्शन में एटीपी बनती हैं और एनएडीपीएच बनता है लेकिन डार्क रिएक्शन में क्या होता है एन ए डी पी पहले यहाँ लिख लेते हैं इट इज़ प्रोड्यूस्ड वेर एज डार्क रिएक्शन में ए टी पी और एन ए डी पी एच का यूज़ होता है जो प्रोड्यूस हुआ लाइट रिएक्शन में वो यूज़ हो जाता है डार्क रिएक्शन में लाइट रिएक्शन के अंदर ओ टू इवॉल्व होती है ओ टू इज इवॉल्व ऑक्सीजन निकलती है और डार्क रिएक्शन में क्या बनता है ग्लूकोज खाना बनता कब है डार्क रिएक्शन में डार्क रिएक्शन करने के लिए जो समान बनता है वो कहाँ बनता है लाइट रिएक्शन में लोकेशन देख लेते हैं लाइट रिएक्शन होती है थायलाकोइड, थायलाकोइड मेम्ब्रेन पे लेकिन डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में ठीक है तो जो बच्चों अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं लाइट रिएक्शन से तो लाइट रिएक्शन से पढ़ रहे हैं तो क्या बनना चाहिए ए टी पी एन ए डी पी एच निकलनी चाहिए और कहाँ होना चाहिए थालाकॉइड मेम्ब्रेन पे ठीक है चलो अब लाइट रिएक्शन करने के लिए कुछ सामान की जरूरत है पहले चीजें इकट्ठी करेंगे उनको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो लाइट को हार्वेस्ट करेंगे लाइट को अट्रैक्ट करेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनता है बहुत सारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से ये मॉलिक्यूल्स हैं क्या ये मॉलिक्यूल्स हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्लस प्रोटीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और प्रोटीन मिलके बनाता है एक एल एच पी लाइट हार्वेस्टिंग बोला जाता है इन्हें लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है और प्रोटीन है लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन के साथ साथ इन्हें एंटीना भी बोलते हैं एंटीना मॉलिक्यूल एंटीना मॉलिक्यूल इस पूरे का नाम हो गया अब ये हमारा क्या हो गया एक लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन्स हो गए इसके ऊपर एक होता है रिएक्शन सेंटर यहाँ पर एक है रिएक्शन सेंटर दिस इज अ रिएक्शन सेंटर रिएक्शन सेंटर किसका बना है रिएक्शन सेंटर बना है क्लोरोफिल ए का वन मॉलिक्यूल बच्चों ये याद रखेंगे क्लोरोफिल ए इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और वो हर फोटोसिंथेटिक प्लांट में होता है चाहे वो एल्गा है टेरिडो एंजियोजिम्नो जो भी है उससे पहले ये साइनोबैक्टीरिया में भी मिलता है सो so जो क्लोरोफिल ए है क्लोरोफिल ए के पास रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर बनाता है और बाकी एल बनाते हैं इसको पूरे को क्या बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ठीक है तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पूरा सिस्टमैटिकली वर्क करता है ये सारी सन रेज एब्जॉर्ब करते हैं सन रेज एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके वो इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो ये पूरा सिस्टमैटिक चलता है तो हम इसको बोलते हैं दिस इज नोन एज अ फोटो सिस्टम दिस इज नोन एज अ फोटो सिस्टम ये एक लाइट का सिस्टम है तो एक फोटो सिस्टम में क्या क्या होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो प्रोटीन से बाउंड है जिनको हम लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन्स या एंटीना बोलते हैं एंटीना मॉलिक्यूल्स और उसके पास एक मॉलिक्यूल किसका है क्लोरोफिल ए का और ये पूरा क्या बनाता है फोटो सिस्टम ठीक है अब देख लेते हैं फोटो सिस्टम कितने टाइप के हैं फोटो सिस्टम दो टाइप का है इज़ ऑफ़ टू टाइप्स। पहले टाइप का फोटो सिस्टम है फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू ये जैसे जैसे डिस्कवर हुए वन और टू उस हिसाब से नेम्स हैं फोटो सिस्टम वन के अंदर ये हमारा लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन्स हैं या एंटीना मॉलिक्यूल ये उसके ऊपर रिएक्शन सेंटर है ये जो क्लोरोफिल ए है 700 नैनोमीटर तो फोटोसिस्टम वन सेवन नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है लेकिन फोटोसिस्टम टू जो है फ़ोटोसिस्टम टू लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन्स क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए कौन सा है क्लोरोफिल ए है जो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल फोटोसिस्टम टू के पास एक और यूनिक चीज होती है उसकी इनर साइड पर यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसे बोलते हैं ई सी दैट इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो फोटो सिस्टम वन में नहीं होता ठीक है तो फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू में क्या डिफरेंस हो गया एक तो ये हो गया इसका क्लोरोफिल ए दोनों का अलग है रिएक्शन सेंटर प्लस इसके पास एक एडिशनल चीज है ओ ई सी ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो फोटो सिस्टम वन में नहीं है ठीक है तो अब हम देख लेते हैं जेड स्कीम क्योंकि जेड स्कीम में फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू दोनों यूज होते हैं Z स्कीम के अंदर Z स्कीम के अंदर दो फोटो सिस्टम वन फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू बोथ आर यूज दो फोटो सिस्टम यूज होते हैं प्लस इसके अंदर यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इसके अंदर यूज़ होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो हैं वो कैसे अरेंज्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल इस लाइन का क्या मतलब है ये कैसे अरेंज्ड है मतलब एक के अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत है अगले इलेक्ट्रॉन कैरियर के की अंदर उससे भी ज़्यादा ताकत है इलेक्ट्रॉन को छीनने की तो ऐसे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स अरेंजड होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है तो अगले के अंदर ज़्यादा ताकत है और वो उससे इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर अरेंजड इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होता और जेड स्कीम चल कहाँ रही है जेड स्कीम चल रही है हमारी कॉइड मेम्ब्रेन पे थकोइड मेम्ब्रेन पे चल रही है साइट ये है चलो अब देख लेते हैं तो सबसे पहला जो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है वो है फोटो सिस्टम टू और यहाँ पर होता है फोटो सिस्टम वन रिएक्शन सेंटर सबको पता है रिएक्शन सेंटर इसके अंदर फोटो सिस्टम टू का क्लोरोफिल ए सिक्स एट्टी और इसका क्लोरोफिल ए सेवन हंड्रेड ठीक है चलो स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर वन है सन रेज आई सन रेज के अंदर से सिक्स एटी नानोमीटर की लाइट यहाँ पड़ी सिक्स एटी नैनोमीटर की लाइट पड़ते ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया क्योंकि लाइट पड़ गई है इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया और इलेक्ट्रॉन पहुंच गया अपने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा किसने कैच किया कैच करने वाला है फीओफाइटिन फीओ इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फीओफाइटिन इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आप लोगों को एक और चीज़ बताई थी फोटो सिस्टम टू के पास एक और चीज़ क्या है फोटो सिस्टम टू के पास है ओ ई सी ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स तो स्टेप नंबर वन में तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया स्टेप नंबर टू में क्या होगा स्टेप नंबर टू में होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर पानी का ब्रेक डाउन पानी का ब्रेकडाउन होके क्या होगा पानी का ब्रेकडाउन होगा एच टू ओ ब्रेक्स इन टू टू एच प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस ये नेसेंट ऑक्सीजन है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टूटते हैं जिससे चार एच प्लस प्लस दो चार इलेक्ट्रॉन्स प्लस ओ टू निकलता है तो मैं ये कह सकती हूँ कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन निकालने के लिए मुझे दो मॉलिक्यूल वाटर की ज़रूरत पड़ती है ठीक है तो बच्चों ये याद रखेंगे कि फॉर इवॉल्विंग वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्प्लिट कौन से आयन्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें आयन्स इन्वॉल्व होते हैं एम एन मैंगनीज एंड क्लोरीन एम एन एंड सी एल की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है अब ये जो इलेक्ट्रॉन आए हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे यहाँ पर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर फोटो के अंदर ये कहाँ जाएगा जो चार H प्लस हैं ये कहाँ जाएंगे ये फोर H प्लस जाएंगे हाइलाकॉइड ल्यूमिन के अंदर ठीक है तो H प्लस और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए कॉम्प्लेक्स के पास हाइड्रोजन आयंस कहाँ चले गए ल्यूमन में स्टेप वन स्टेप टू क्लियर नेक्स्ट इसके बाद है जो फ्योफाइटिन फिओफाइटन के बाद एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है जिसे बोलते हैं प्लास्टोक्यूनॉन प्लास्टोक्यूनॉन जो है उसको उसकी ताकत इलेक्ट्रॉन खींचने की और ज्यादा है मतलब इसका रिडॉक्स पोटेंशियल इससे ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन इसको खींच लेता है तो प्लास्टो उस इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है प्लास्टोनॉन के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम पी सिक्स एफ कॉम्प्लेक्स पे क्योंकि इसकी ताकत और ज़्यादा है कॉम्प्लेक्स इसकी ताकत और ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को खींचने की इसके बाद इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है प्लास्टोसाइनिन प्लास्टोसाइनिन इन प्लास्टोसाइनिन के अंदर कॉपर होता है और इसका रिडॉक्स पोटेंशियल इससे ज़्यादा तो याद रखना इसका रिडॉक्स पोटेंशियल इससे ज़्यादा इसका रिडॉक्स पोटेंशियल इससे ज़्यादा इसका रिडॉक्स पोटेंशियल इससे ज़्यादा तो दे आर अरेंज इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल ठीक है और प्लास्टोसाइन इन इलेक्ट्रॉन को दे देता है बी सिक्स पी फोटोसिस्टम वन को तो जब ये सब चल रहा होता है साइटोक्रोम बी सिक्स एफ कॉम्प्लेक्स से यहाँ पर ए टी पी बनती है ए डी पी से ए टी पी ए डी पी से बन जाती है ए टी पी अब जब लाइट पड़ेगी यहाँ पर कितने नैनोमीटर की सेवन हंड्रेड नैनोमीटर की सेवन हंड्रेड नैनोमीटर की लाइट यहाँ पर पड़ी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो के कहाँ जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है एफ ई एस एक आयरन सल्फर प्रोटीन तो क्वेश्चन आएगा फोटो सिस्टम वन का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है आयरन सल्फर प्रोटीन फोटो सिस्टम टू का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है पीओाइटिन ये याद रखेंगे दिस इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्रॉम photosystem सिस्टम वन इसके बाद यह चला जाता है फेरीडॉक्सिन के पास फेरीडॉक्सिन और फेरीडॉक्सिन इसको दे इलेक्ट्रॉन को दे देता है एक एंजाइम को जिसे बोलते हैं एन ए डी पी रिडक्टेज ये नाम से पता चल रहा है एनएडी पी रिडक्टेज का मतलब किसका रिडक्शन होगा एन ए डी पी का एन का रिडक्शन कैसे होगा जब उसके साथ जुड़ जाएगा H प्लस और इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से आ रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल कर रहा है वो एन ए रिडक्टेस के पास आकर उसको कर देगा कन्वर्ट किस में एन का हो गया रिडक्शन एन ए डी पी एच में एन किससे किस से जुड़ के दो एच प्लस से जुड़ के और दो इलेक्ट्रॉन से जुड़ के बना देता है एन ए डी पी एच प्लस ठीक है तो एन ए डी पी एच प्लस बन गया है इसके अंदर और क्या बना है ए टी पी और क्या रिलीज हुआ है ऑक्सीजन ये हमने बताया था कि लाइट रिएक्शन में ए टी पी बनता है एन ए डी पी एच बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है दोबारा देख लेते हैं इसको फोटो सिस्टम टू फोटो सिस्टम वन लाइट पड़ी सिक्स एटी की इलेक्ट्रॉनिक साइट पीओफाइटिन प्लास्टोनॉन साइटोक्रोम बी सिक्स एफ कॉम्प्लेक्स प्लास्टोसाइन ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से ऑक्सीजन निकली और वहाँ से साइटोक्रोम बी सिक्स एफ कॉम्प्लेक्स से हमारी ए टी पी बन गई इलेक्ट्रॉनिक साइट ऊपर गया प्राइमरी एक्सेप्टर एफ ई एस एफ ई एस से फेरेडॉक्सिन फेरेडोक्सिन एनएडी पी रिडक्टेज एन ए डी पी रिडकटेज ने एन ए डी पी को रिड्यूस कर दिया एन ए डी पी एच में अब यही क्वेश्चन आता है कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन ऊपर ऊपर क्यों नहीं जाता वाई इट इज अपिल द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपन डाउन हिल देन अगेन अप हिल तो अपिल डाउन हिल अप हिल मूवमेंट का रीजन क्या है बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर अरेन्ज इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल इसकी ताकत इलेक्ट्रॉन खींचने की इससे ज्यादा है ठीक है तो इसी को जेड स्कीम बोलते हैं क्योंकि ये जेड फॉर्म में है दिस इज नोन एज जेड स्कीम और ये सब हो कहाँ रहा है ये सब हो रहा है थालाकॉइड की मेमब्रेन पे ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ये जरूर याद करना है हमने स्टेप नंबर वन लिखा था एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेप नंबर टू है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एंड स्टेप नंबर थ्री जो होता है वो है हमारी ई टी एस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुए ठीक है बेसिकली तीन स्टेप है स्टेप वन स्टेप टू एंड स्टेप थ्री इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन हो गया और क्या क्या चीज़ें बनी हैं हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ड्यूरिंग जेड स्कीम ड्यूरिंग जेड स्कीम क्या क्या बना एटीपी इज प्रोड्यूस्ड ए टीपी बना है एन ए डी पी एच इज प्रोड्यूस्ड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज अब यही ए टीपी और एनएडीपी एच यूज होगा डार्क रिएक्शन में जो हम C3 और C4 फोर साइकिल में यूज करके उससे ग्लूकोज बनाते हैं ठीक है तो ये बच्चों याद रखना अपहिल डाउनहिल अपहिल मूवमेंट क्यों है क्योंकि रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल की वजह से अरेन्ज इन द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर अरेज इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल ठीक है आई होप जैद स्कीम इज क्लियर टू एवरीबॉडी अगले उसमें फिजियोलॉजी का को और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे